अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दील और आप हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मुस्लिम नेम्स पॉइंट। आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं जोहान नाम के बारे में। इस नाम के लड़के किस तरह के होते हैं और इनके लकी नंबर कौन सा होता है, दाँतें वगैरह तमाम तफसीलात को बताएंगे जो कि आपको किसी भी वीडियो में या किसी भी पेज पर नहीं मिलेंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बात कर लेते हैं इस नाम के मैनी की। तो इसका मैनी है खुदा की तरफ से तोहफा के होते हैं। अगर तख्लीक ज़बान के बारे में बात करें तो ये एक तख्लीक ज़बान हिंदू मानी जाती है कुछ लोगों का मानना है, यानी कि कुछ जगह पर इनका तख्लीक ज़बान अरबी माना जाता है और मज़ाहिब मुस्लिम होता है। और ये लड़का मर्द दोनों के लिए नाम रख सकते हैं। और अगर जोहान एक मुख्तसर नाम माना जाता है और ये एक मुख्तसर नाम होता है। अगर हम इस नाम की लंबाई की बात करें तो 5 हरफ और 1 लफ्ज़ से एक मिलकर ये एक नाम माना जाता है। और अगर हम इस नाम के हमी नंबर्स की बात करें तो 1, 3, 7, 8, 9 शामिल होते हैं। अगर हम इस नाम के मौसिक दिन की बात करें तो बुध दुर्जुमा शामिल होता है। अगर हम इस नाम के सही लकी नंबर की बात कर लेते हैं तो इसका लकी नंबर आपको बता दिया है। इसके सही लकी नंबर के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ होना ज़रूरी है, तो कमेंट बॉक्स में बता दें। वैसे तो इसका लकी नंबर 5 माना जाता है। अगर हम इस नाम के मौसिक दिन की बात करें तो बुध और जुमा शामिल होता है। अगर सुलह ज़िंदगी के मतलब बात करें यानी इस नाम वाले लड़के कैसे होते हैं, तो आप हालात का मुकाबला करना चाहते हैं, चाहे जितने भी लोग आपके मुखालफ हों, आप अपनी बात पर कायम रहना चाहते हैं। लेकिन मौफिक दांतों में चांदी शामिल होती है। अगर हम इस नाम के मौफिक रंग की बात करें तो पीला, नीला, सफ़ेद रंग शामिल होता है। अगर हम इस नाम के मौफिक पत्थर की बात करें तो सब्ज़ पत्थर शामिल होता है। इसके अलावा अगर हम इस नाम के मतमादल मौफिक पत्थर की बात करें तो नीलम, रूपी, नीलम शामिल होते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले घंटी वाले बटन पर भी ज़रूर क्लिक कर लें, लाइक भी करें और वीडियो को शेयर भी करें। किसी भी नाम के रिलेटेड मिनिक चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़, टेक केयर।